नमस्कार, बिनी जी रेसिपी एंड क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, चल रहा है आप लोगों को नवरात्र के लिए ये व्रत स्पेशल खीर बनाने जा रहे हैं साबूदाना का। तो चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं कि अभी साबूदाना का खीर बनाएंगे। शाम के 4:30 हो रहा है, तो अभी बनाएंगे। बनाने के बाद फिर हम स्नान उस्नान करेंगे और उसके बाद से तब उसी खीर से हम भोग भी लगा लेंगे और फिर प्रसाद के रूप में बांट भी देंगे। तो फिर चलें हम लोग। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, दूध बॉयल हो गया है और यहाँ हम देख सकते हैं आप लोग, ये साबूदाना को हम थोड़ा सा भिगो करके रख दिए थे, 1-2 घंटा पहले रखे थे 2 घंटा। तो ये अभी हो गया है, इसको हम मिला देते हैं। अब ये है कि साबूदाना को हमेशा चलाते रहना पड़ता है, नहीं तो नीचे सटने लगता है। चूल्हा को हम थोड़ा तेज कर देंगे, कम किए हैं और इसमें थोड़ा सा भी सटा हुआ है। और इसमें डालने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट्स भी है और अभी चीनी निकाल रहे हैं। ये फुलाया हुआ है, जल्दी बन जाएगा। इसके लिए यहाँ पर हम चीनी निकाल लिए हैं, छोटा कटोरी है तो इसमें चीनी और उसमें ड्राई फ्रूट्स है। इसमें ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ता है, बस दूध, साबूदाना और चीनी, ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स भी अपना मन के ऊपर है, मन करे तो डालें, नहीं मन करे नहीं डालें। डालने पर थोड़ा अच्छा लगता है, ऐसे थोड़ा इलायची वगैरह भी मन करता है तो लोग डाल देता है, इलायची भी अच्छा लगता है। ऐसे इलायची डाल दे रहे हैं, ऐसे ही टूटा नहीं है, ऐसे ही डाल दिए हैं। ये थोड़ा सा केसर धागा डाल दे रहे हैं। केसर धागा डालने पर उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और कलर भी बढ़िया आता है। लेकिन यही था कि पहले डालना चाहिए था, लास्ट में हम डाले हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये कितना सुंदर हो गया है कलर। अभी तो अब देख सकते हैं आप लोग, दूध के कलर चेंज हो गया है। तो जब भी जितना भी तक तो ऐसे ही पूरा भी से कलर नहीं छोड़ा होगा, लेकिन फिर भी इतना थोड़ा सा क्रीम जैसा हो गया है, क्रीमी कलर के। तो इसमें हम अब चीनी डाल देंगे और इसी में ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे और इसको हम मिला देंगे। अब आप लोग देखें कितना जल्दी खीर तैयार हुआ है साबूदाना का, क्योंकि इसको थोड़ा फुला करके रख दिए थे, पानी में भिगो दिए थे, इसी से हुआ इतना जल्दी। नहीं भिगाने पर तो 1-1.5 घंटा लग जाता है इसको पकाने में, क्योंकि अंदर कच्चा रह जाएगा, जल्दी नहीं पकता है। और वहीं भिगो दिया जाता है तो आराम से खूब बढ़िया से फूल करके तैयार हो जाता है। तो अब दोस्तों, आप लोग बताएं मेरा साबूदाना के खीर कितना जल्दी तैयार हुआ है, तो कैसा लग रहा है साबूदाना का खीर, हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं आप लोग। और इस नवरात्र में कौन क्या क्या प्रसाद बना रहा है ज़रूर हमें कमेंट द्वारा बताएं। तो हम इसमें निकाल करके थोड़ा भोग लगाने के लिए रख रहे हैं। चूल्हा को पहले बंद कर देंगे, अब हम इसमें निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा भोग लगाने के लिए ये तैयार हो गया है। तो ये छोटी कटोरी में निकाल लिए हैं, ये इसी में ले जाके भोग लगाएंगे हम। तो दोस्तों,
मेरा ये साबूदाना खीर कैसा बना है। अगर अच्छा बना हो तो प्लीज़ हमें लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे दूसरा नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।